सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई सरकार के गठन के बाद शिक्षक भर्ती के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने की तैयारी है और पढ़ते हैं पूरी खबर। देखिए, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के दरवाजे जल्दी खुलेंगे। नई सरकार के गठन के बाद भर्ती संस्थाएं नए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। माध्यमिक शिक्षा में भर्ती के लिए भर्ती संस्थाओं को हजारों पदों के अध्याचन भी मिल चुके हैं। वहीं प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती के लिए कई आंदोलन हुए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता टीजीटी के तकरीबन 5000 पदों का अध्याचन 2.5 माह पहले ही मिल गया था। उस वक्त अभ्यर्थियों ने नए विज्ञापन के लिए चयन बोर्ड पर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका। इन 5000 पदों में से 289 पदों पर टीजीटी पीजीटी 2016 के चयनित अभ्यर्थियों का समायोजित किया जा चुका है, जबकि 500 पदों पर टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन होना है। इसके बाद भी तकरीबन 4200 पद बचेंगे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार का गठन होते ही चयन बोर्ड इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकेगा। चयन बोर्ड के सूत्रों का भी कहना है कि जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को भी LT ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 1207 पदों का अध्याचन मिल चुका है। हालांकि आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत रिक्त रह गए जिन पदों को अग्रणित किया था, उन पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को अभी तक नहीं भेजा है। इसकी संख्या तकरीबन 4000 बताई जा रही है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षकों के पदों की संख्या और अभी और बढ़ेगी। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयोग जल्दी विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। वहीं प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पद रिक्त पड़े हैं, जिनका अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन हुआ था। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 97000 पद रिक्त पड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें से तकरीबन 17000 पदों पर जल्दी भर्ती शुरू करने की तैयारी है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें माय फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।